नमस्ते दोस्तों, बस 2 मिनट लूंगा उस विषय पर बात करने के लिए जिस विषय के बारे में हम सबको पता है। जी हाँ, कोरोना वायरस, जिस दुश्मन से हमारी पूरी दुनिया लड़ रही है। पर क्या हम सच्ची में अच्छे से लड़ रहे हैं? कोरोना वायरस जो एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलता है, जो मास्क नहीं पहनने से फैलता है, जो हाथ नहीं धोने से फैलता है, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें नहीं करने से फैलता है। हमें बस थोड़ा सा ध्यान रखना है और हम हमारे स्टेज 2 से स्टेज 3 में जाने से रोक सकते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि चाइना यानी वुहान, जहाँ से कोरोना वायरस चालू हुआ था, वहाँ पे ही अभी कोरोना वायरस एकदम कंट्रोल में आ गया है और बाकी सारे देशों में फैल गया है। इटली, हम सबको पता है, जहाँ पर कोरोना वायरस को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हम लेट हो गए पर प्लीज़ बाकी लोग आप जग जाओ, प्लीज़ कुछ करो। और इसी के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने थर्सडे को बोला कि संडे यानी कि 22 मार्च 2020 ये संडे हम सबको जनता कर्फ्यू का पालन करना है। जनता कर्फ्यू ये है कि हम अपने घर में ही रहें, बाहर नहीं जाए। बाहर नहीं जाएंगे तो हम दूसरों के संपर्क में नहीं आएंगे, दूसरों के संपर्क में नहीं आएंगे तो कोरोना वायरस फैलेगा नहीं। तो इस 22 मार्च अपने रिश्तों के लिए टाइम दीजिए, अपने घर के लिए टाइम दीजिए, बाहर मत जाइए, अपने घर में रहिए। आपको पता नहीं है जितना मज़ा आप बाहर कर सकते हैं उससे लाखों गुना ज़्यादा मज़ा आप बस आपके पसंद वाले जो अच्छे सेहत में हैं उसके बाजू में बैठ के कर सकते हैं। तो 22 मार्च 2020 जनता कर्फ्यू, उसका पालन कीजिए, ये आपसे रिक्वेस्ट है। कोरोना वायरस संपर्क से फैलता है और अगर हमें उससे बचना है तो वी हैव टू ब्रेक द चेन। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड लेट्स break the chain.